नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनएम जीएनएम की जो पीओपी की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि काफ़ी कैंडिडेटों का फाइनल लिस्ट के अंदर नाम होने के बावजूद भी उनका पीओपी के अंदर नाम नहीं आया था, उसका सोल्यूशन क्या है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि कम्प्लीटली आपको जो डॉक्यूमेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से अपने पास से रखने हैं, जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करवा ले हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको कितने दिन का समय मिलेगा और इसके अलावा आपको जो लिस्ट है कैंडिडेटों की वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, जिन कैंडिडेटों की लिस्ट जारी हुई है उन कैंडिडेटों के नाम इसके अंदर आपको दिखाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जिन कैंडिडेटों का पीओपी के अंदर नाम नहीं आया है उनको क्या करना है। इसके अलावा दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट्स किया था, कमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कमेंट्स हैं कि सर मैं पहले कंटेंट बेस और केएम करती थी पर प्रेजेंट में नहीं करती हूँ, मुझे जॉइनिंग करना पड़ेगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। सर फाइनल लिस्ट चेंज हो गई है क्या, सर प्लीज़ रिप्लाई। ऐसे अलग अलग कमेंट्स काफ़ी मात्रा में देखने को मिले और ऐसे कमेंट्स भी थे कि सर मेरा फाइनल लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी पीओपी लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं आया है। तो उन सभी को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि उन विद्यार्थियों को अब आगे क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जो आपके ये देखिए दोस्तों, ये क्या जो कमेंट्स आया था ये है कि चूरू डिस्ट्रिक्ट से सिरोही किस किस का आया है, अपना नाम एंड तहसील बताएं। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग कमेंट्स है, सभी विद्यार्थियों की अलग अलग समस्या है। और अगर आपकी भी कुछ समस्या है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे उन सबके बारे में। तो सबसे पहले आपको अपना मेडिकल तैयार करवाना है, इसके अलावा जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करवाना है। ऐसा नहीं आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको टाइम दिया जाएगा, 7 दिन या 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ये ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको तैयार करने होंगे। तो आपको मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन, इसके अलावा जो बच्चों के संबंधित डॉक्यूमेंट्स है संतान के वो, और जो दहेज का है वो, इसके अलावा जो धूम्रपान है उसका, और आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जैसे मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपके जो आईडी वगैरह है वो सभी आपको कम्प्लीटली रूप से तैयार करवानी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों का पीओपी लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है उन विद्यार्थियों को आगे की क्या प्रक्रिया होगी वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों का नाम नहीं आया है